स्वागत है दोस्तों थोड़ा थोड़े अपने चैनल पंजाबी टॉक्स विच। दोस्तों हाजिर होया एक नवी जानकारी लैके, एक नवी वीडियो लैके। पंजाब के स्कूलों के अध्यापकों नूं पंजाब सरकार ने जारी किए नवे दिशा निर्देश। अध्यापकों लिए आई अहम खबर। दोस्तों की है पूरी अपडेट अते पंजाब के स्कूलों के अध्यापकों नूं सरकार वल्लों किहड़े नवे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जानेंगे पूरी जानकारी इस वीडियो विच। वीडियो शुरू करने से पहला छोटी जी बेनती है, अगर तुसीं साडे चैनल ते पहली बार आए हो तो कृपा करके साडे चैनल पंजाबी टॉक्स सबसक्राइब करना अते नाल ही बैल आइकन दा बटन दबा लेना ता ही साडी आने वाली सारी वीडियो सब तो पहला तुहाडे तक पहुँच सके। तो दोस्तों आओ नज़र मारदे हां पूरी खबर ते। पंजाब दे अध्यापकां लई आई अहम खबर, जारी होए नवे दिशा निर्देश। पंजाब च राज राष्ट्रीय पुरस्कार जेतू अध्यापकों के सेवा काल संबंधी नवे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पंजाब सरकार ने इन अध्यापकों के सेवा काल च बदलाव किया है। तुहानू दस दिए कि पहला अध्यापकों के सेवा काल च एक जां दो साल का वादा किया जाता सी, पर हुण स्टेट अवार्डरी अध्यापकों की 58 साल की उम्र पूरी होने ते एक साल लई मुड़ नियुक्ति की जाएगी, जबकि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों का सेवा काल साल दर साल बताया जाएगा। दसया जा रहा है कि मुड़ नियुक्ति या सेवा काल च वाधे दौरान सालाना तरक्की ते तरक्की का लाभ नहीं मिलेगा। उक्त अध्यापक 58 साल की उम्र पूरी होने ते आखिरी तनखा ड्रॉ दे काम करेंगे। मुड़ नियुक्ति या वाधे लिए अप्लाई करते समय अध्यापकों नूं स्वै घोषणा पत्र ते प्रफार्मे अनुसार इस संबंध च अपनी सहमति देनी पवेगी। इस तो पहला जेकर किसी हदायतों कारण राष्ट्रीय पुरस्कार जेतु अधिकारी कर्मचारी नूं सालाना तरक्की का लाभ मिल रहा है तो इस नूं तुरंत प्रभाव नाल रद्द कर दिया जाएगा। सो दोस्तों यह एक वड्डी जानकारी निकल के आई सी पंजाब दे सरकारी स्कूलों के अध्यापकों नूं लैके। दोस्तों अज्ज दी वीडियो विच यही जानकारी सी। इस तरह होर वड्डियां अते ताज़ा खबरां दे लई साडे चैनल पंजाबी टॉक्स नाल जुड़े रहना। मिलते हैं नवी वीडियो विच नवी जानकारी नाल। तद तक धन्नवाद जी।